हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में ह्यूमन हार्ट के बारे में देखते हैं। इसके फंक्शन देखेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में जो लंग है, लंग्स से हमारे बॉडी में कैसे ब्लड आता है हार्ट में, जो उसके डिफरेंट चैम्बर होते हैं, फिर वहां से कैसे हमारे बॉडी में जाता है। चलो एक एक करके इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप लोग बचपन से देखते रहोगे तो सभी लोग हार्ट कैसे बनाते हैं, दिल आपका ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली दिल जो है ऐसा नहीं होता है। दिल जो है आपके बॉडी में कैसा होता है, तो उसकी फिगर जो है दिल की बॉडी में आपके ये ऐसी होती है, ये आपकी शरीर में आपकी जो हार्ट की शेप जो है ऐसे होती है। और अगर इसको बाहर निकाल के देखोगे तो ये आपकी हार्ट ऐसे मस्कुलर बॉडी होती है, ना कि जो आप ऐसे बनाते रहते हो ऐसे दिल नहीं होता है, दिल ऐसे होता है। अब चलो हम देखते हैं इसके फंक्शन कि कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले हार्ट में चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। पहले मैं चैम्बर बना दूं, एक, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर और ये चार चैम्बर, ये ऐसे चार चैम्बर होते हैं। फिर देखो इनका नेमिंग कैसे होता है चार चैम्बर में, इसी को सीखना है कि कैसे हमारे बॉडी में जो चार चैम्बर होते हैं ब्लड कैसे आता है। देखो, अगर इसको नाम दे दो तुम लेफ्ट आर्ट्रियम, ये आपका लेफ्ट साइड में हो जाता है और ये वाला साइड आपकी राइट साइड में हो जाती है। लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको जैसे पूरा लिख दूं, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वाला साइड है, ऊपर वाले चैम्बर को लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल हो गया। ऐसे इसको शॉर्टकट में एल से लेफ्ट और वेंट्रिकल से वी, ऐसे ही ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड में ये राइट और आर्टिकल आर्ट्रियम हो जाएगा और ये राइट क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल हो जाएगा। ये आपकी चार चैम्बर है। अगर आप बोलेंगे कि इसमें चैम्बर क्यों होते हैं, तो चैम्बर इसलिए होता है कि कोई भी खून जो है, आप आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लड है वह ब्लड कभी आपका ऑक्सीजन से मिक्स होगा और कभी कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होगा, तो ये चैम्बर रहते हैं कि जो ऑक्सीजन से मिक्स है ये कभी दूसरे चैम्बर में मत चला जाए, जैसे ऑक्सीजन से मिक्स ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स ब्लड आपस में मिल ना जाए, इसलिए अलग अलग आपका चैम्बर होता है। तो देखो, जो ये चैम्बर है, अगर इसको अगर फिर से मैं अगर आपको बताऊं, देखो मैं आपको चार चैम्बर ऐसे बताया, ये आपका था राइट आर्ट्रियम, ये वाला चैम्बर आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम, क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम। ऐसे ही ये वाला चैम्बर आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल। और ये वाला चैम्बर क्या है आपका? ये वाला चैम्बर है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देखो, जो ब्लड है आपके शरीर में कैसे आता है, अगर ये आपसे होगा कि ब्लड शरीर में कैसे आता है, तो ब्लड जो अगर हार्ट में आता है, हमारे दिल में अगर जब ब्लड आता है तो कहाँ आता है? सबसे पहले आपका आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लंग्स से जो ब्लड है वो कहाँ आता है? हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद फिर ये जाता है आपका कहाँ पे? लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद आपका ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। पहले स्टेप में आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, उसके बाद ये कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ये जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन है, ये ब्लड जो है ऑक्सीजन है, इसके बाद ये चला जाता है कहाँ? आपके बॉडी में चला जाता है। कहाँ जाता है? बॉडी में चला जाता है। फिर बॉडी में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये काम करता है, जैसे खाने को डाइजेस्ट करना होता है, आप फूड को डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद जब ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ये क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट हो जाता है। ये किस में चेंज हो जाता है? ये जब ये खाने को डाइजेस्ट करता है तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है ब्लड, तो ये आपका पहुँचता है कहाँ? राइट आर्ट्रियम में। यहाँ पर पहुँचता है राइट आर्ट्रियम, फिर राइट आर्ट्रियम से फिर आपका ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो देखो पहले कहाँ आया आपका? लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर दूसरे स्टेप में लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर हमारे बॉडी में डाइजेस्ट किया, फिर तीसरे स्टेप में कहाँ आया आपका? आया राइट आर्ट्रियम में, फिर उसके बाद कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। इस साइड जो ब्लड है, ब्लड के साथ यहाँ पे क्या मिक्स है? लंग से जो हमारा ऑक्सीजन आया है, तो ब्लड और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? मिक्स है। वही इस साइड जो है ब्लड आपका राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में ब्लड के साथ क्या है? खाना को डाइजेस्ट करने के बाद ब्लड के साथ क्या मिक्स हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है।
इसमें चीज़ एक चीज़ और देखो, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है। उसके बाद देखो अगर इसका नेमिंग करो, फिर देखो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड आपका निकल के कहाँ चला जाता है, आपके लंग्स में चला जाता है। तो देखो जो ये लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है तो यहाँ पे आपका वाल्व लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है। उस वाल्व का क्या नाम होता है, जो ये वाल्व लगा रहता है उस वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। इसका क्या नाम होता है, बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्यों रहता है, वाल्व इसलिए रहता है कि जो खून ऊपर से आ रहा है वह नीचे जाए। ऐसे नहीं कि जैसे ऊपर से आया तो ये वाल्व खुलता है फिर जाने के बाद ये वाल्व बंद हो जाता है। तो इसके वजह से ये ना कि खून एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, इसलिए वाल्व लगे रहते हैं। फिर ये आपके, फिर देखो ऐसे ही जब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो यहाँ पे भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। फिर देखो इसको हम फिगर में देख लेते हैं। फिगर में आप देखोगे पहले खून आपका कहाँ आता है, लंग से आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। फिर उसके बाद आपका खून कहाँ जाता है, खून उसके बाद आपका जाता है ये दूसरा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर जो बीच में जो वाल्व होता है, अभी मैं आपको बताया इस वाल्व को क्या बोलते हैं, इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और वैसे ही देखो इसके बाद ये बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद फिर ये आपका आता है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे आता है। ये आपका क्या है, ये आपका राइट आर्ट्रियम है। राइट आर्ट्रियम के बाद आपका राइट वेंट्रिकल चौथा यहाँ चला जाता है। फिर यहाँ पे फिर देखो बीच में वाल्व पाया जाएगा राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व इसलिए लगा रहता है ताकि खून जो है, ब्लड जो है, एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो करे। उसके बाद देखो इसमें और चीज़, जैसे पहले यहाँ पे ब्लड आया पहले नंबर पे लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल गया। फिर यहाँ से शरीर से निकालने के लिए भी यहाँ भी एक वाल्व होती है। इस वाल्व को क्या बोलते हैं, इस वाल्व को बोलते हैं एरोटिक वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व इसे बोलते हैं। वैसे ही देखो सेम इधर भी आपका यहाँ से आप इम्प्योर ब्लड आपका आया राइट आर्ट्रियम में, उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल, ये बीच में आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर इसको खून को निकालने के लिए यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे ये जो वाल्व होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व होता है। और ये एरोटिक वाल्व ये वाला होता है, ये वाला जो वाल्व है ये एरोटिक है और ये वाला आपका पल्मोनरी है। देखो इसको मैं क्लियर कर दूं, ये वाला देखो, ये वाला जो है, ये वाला वाल्व क्या होता है आपका एरोटिक वाल्व, और ये वाल्व जो निकल रही है ये क्या होता है, ये आपका पल्मोनरी वाल्व होता है। उसके बाद देखो अगर इसमें और देखोगे तो इसमें ये सब चीज़ें हो गई। फिर इसको इससे क्लियरली देख लो। अब ये देखो ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा हम समझ गए, थोड़ी सी इसमें और बाकी है। इसको देखो मैं कैसे बताता हूँ। देखो अगर आप अपने बॉडी में देखोगे तो जो आर्टरी होती है, दो तीन तरह की वेंस पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। एक हो गया वेंस हो गया, एक हो गया आपका आर्टरी हो गया, आर्टरी हो गया, और एक हो गया आपका कैपिलरी, कैपिलरी हो गया। अब देखो वेंस में क्या होता है, ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आर्टरी में ऐसी ब्लड जाती है जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन जाती है। कैपिलरी में क्या होती है, यही इंटरचेंज होता है, फूड का डाइजेशन यहाँ पे कैपिलरी में होता है। देखो पीछे के फिगर में जो आपका दिख रहा है, जो आपका प्योर ब्लड है, वो प्योर ब्लड जो आपके हार्ट में है, जो चैम्बर में दिखाया जाता है, ये रेड कलर से दिखाया जाता है, रेड कलर से। इधर देखो इस वाले चैम्बर में आपका जो ब्लड है रेड कलर में है, ये प्योर ब्लड किसे कहेंगे, ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो। और इम्प्योर ब्लड को कैसे दिखाएंगे, आपका ब्लू कलर से दिखाएंगे। इम्प्योर ब्लड को कैसे दिखाएंगे, इम्प्योर जो ब्लड है इसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, ब्लू कलर से। इम्प्योर ब्लड किसे कहते हैं, इम्प्योर ब्लड ऐसा होता है, ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये हो गया। देखो यहाँ पे भी देख रहे हो, नेक्स्ट फिगर में दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो आपका ये रेड कलर दिखा रहा है, ये रेड कलर वाला चैम्बर, ये क्या है, ये आपका प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब इसमें ऑक्सीजन है,
और ये वाली जो ब्लू वाली चैम्बर है ये क्या है, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड के साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बीच में चैम्बर क्यों बना रहता है, चैम्बर इसलिए है ताकि ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिले ना। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये पहले आपके लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से बॉडी में ब्लड भेजने के लिए ज़्यादा जोर चाहिए, ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो यहाँ से क्या होता है, बॉडी में पंप होता है। तो ये वाली मसल्स देखेंगे आप, तो ये वाली मसल्स जो है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड का जो ये मसल्स है, ये आपकी चौड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड यहाँ से आपके बॉडी में पंप होगा, तो ये वाली साइड आपकी क्या होती है, ये आपकी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। और फिर यहाँ से बॉडी में जब ब्लड जाता है, उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद, उसके बाद जब आता है, तो यहाँ से इसको जो ये राइट आर्ट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, इसके बाद नॉर्मली आपका कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए। तो ये वाली साइड क्या होती है, ये थिन होती है, पतली होती है, और इस वाली साइड क्या होती है, ये मसल्स क्या होती हैं, ये चौड़ी होती हैं। एक ये डिफरेंस हो गया। फिर इसमें अगर आप देखेंगे एक और चीज़, तो यहाँ पे देखो जो ब्लड वेसल्स ये आपकी आपकी जैसे आपका अगर यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद देखो, लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद खून कहाँ आया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। बीच में क्या था आपका, बीच में आपका था बाइकस्पिड वाल्व। फिर आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो है ये जो वाल्व है इसे हम बोलते हैं एरोटिक वाल्व। फिर ये जो ब्लड वेसल्स, जो ये वेसल्स है ये कहाँ लेके जाती है, ये पूरे बॉडी में लेके जाती हैं। इस वेसल्स को क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। ऐसे ही जैसे अरोटा आप बॉडी में लेके गया ब्लड को, उसके बाद वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होके आपका आया कहाँ, आपका आया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम के बाद आपका राइट वेंट्रिकल में। तो हमारे बॉडी से जो ब्लड आती है कहाँ, आपका राइट आर्ट्रियम में, तो इस जो वेसल्स है इसको क्या बोलते हैं, इसे हम वेना केवा बोलते हैं, वेना केवा। तो यहाँ पे दो चीज़ है आपका, अरोटा और वेना केवा। अरोटा किसे कहेंगे, ऐसी वेसल्स जो आपकी ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाए उसे अरोटा बोलते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को जो आपके हार्ट में ले आए उसे क्या बोलते हैं, वेना केवा बोलते हैं। इसका लास्ट रिकैप देखो, यहाँ पे आर्टरी और वेंस भी आप देखना किसे कहते हैं। देखो लंग्स है, लंग्स में आपको बताया कि लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेके आपके कहाँ आता है, पहला आता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में, उसके बाद कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। बीच में जो वाल्व होती है उसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर बाइकस्पिड वाल्व, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद जो आपका ये ऊपर जाता है, ये मतलब यहाँ से फोर्स लगा के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कौन सी वाल्व होती है, यहाँ पे आपकी एरोटिक वाल्व होती है, एरोटिक वाल्व। ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। फिर आपके बाद ये आपका ब्लड जो है, रेड कलर मतलब ऑक्सीजन है, ये ब्लड आपके बॉडी में जाता है। फिर जो ये ब्लड, देखो दो चीज़ जो है, एक वेंस है और एक आर्टरी है, आर्टरी है, स्पेलिंग देख लेना इसका, आर्टरी, हाँ यही है। फिर एक कैपिलरी होता है, देखो तो वेंस क्या है, आर्टरी जो है ऐसा ब्लड होता है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होता है, और वेंस में क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन वाली ब्लड जा रही है लेके, तो इस ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी की एक और डेफिनेशन होती है कि ऐसा ब्लड वेसल्स जो हार्ट से, जो दिल से आपके बॉडी में लेके जाए ब्लड को, ब्लड को आपके हार्ट से बॉडी में ले जाए उसे आपकी आर्टरी बोलते हैं। तो हार्ट से बॉडी में ले जाने वाली ब्लड वेसल्स आर्टरी, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी आर्टरी हो जाएगी। फिर आपके बॉडी में देखो यहाँ पे कैपिलरी होता है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि खाना को डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। फिर देखो ये कैपिलरी से पास होने के बाद ये ब्लड जो है आपका ऑक्सीजन से किस में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो आपकी वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वेंस का डेफिनेशन होता है कि वेंस जो है ऐसा ब्लड वेसल होता है जो कि आपके ब्लड को कहाँ से ले आए, बॉडी से हार्ट में ले जाए,
देखो दोनों अपोजिट हैं, इसमें हर्ट से बॉडी जा रहा है और बॉडी से हर्ट, और बॉडी है, बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद अब ये हर्ट में जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस ब्लड वेसल्स को आप बोलोगे आर्टरी बोलोगे, नहीं सॉरी, इस ब्लड वेसल्स को आप वेंस बोलोगे, ये वाली क्या है, ये वाली आपकी वेंस है, ये हुआ। फिर आपका ये यहाँ पे आया राइट आर्ट्रियम, अभी बताया कि जो लाती है उसको क्या बोलते हैं, वेना केवा, इधर ये निकालने वाले को अरोटा बोलते हैं, और इधर जो आती है जिस ट्यूब से उसे वेना केवा बोलते हैं। इसके बाद राइट आर्ट्रियम में आई, राइट वेंट्रिकल में आई, ये इम्प्योर ब्लड फिर आपके बॉडी में गई। अब देखो जो डेफिनेशन होती है वेंस की, ये होता है कि बॉडी से हार्ट में, और आर्टरी की क्या होती है, हार्ट से बॉडी में। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये अब जो ये हार्ट से बॉडी में जा रही है, तो हार्ट से बॉडी में जाने वाले को क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इस साइड आपकी आर्टरी हो जाएगी। लेकिन आप देखोगे कि आर्टरी आपका क्या लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहाँ पे तो आपका इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इसलिए इसका आर्टरी का नाम पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है, क्या हो जाता है, पल्मोनरी आपका आर्टरी हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये जो है ब्लड वेसल्स जो लंग्स से ऑक्सीजन में लेके आती है, देखो वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, बॉडी से हार्ट में ले जाने वाली है, तो ये बॉडी, लंग्स भी तो बॉडी का पार्ट है, ये बॉडी से हार्ट में ले जाने वाली को क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं इसे हम वेंस बोलते हैं, वेंस बोलेंगे। लेकिन वेंस आपका क्या लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन है, तो इसलिए इस वेंस का नाम हो जाता है एडिशनली क्या, पल्मोनरी वेंस हो जाता है। देखो ये था, इसमें मैं आपको बता दिया इसमें ह्यूमन जो हार्ट है इसमें उसका जो फंक्शन है, कैसे ब्लड आता है, पंपिंग का काम कैसे करता है उसको बताया। फिर साथ ही साथ मैं आपको आर्टरी के फंक्शन के बारे में बताया, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, फिर आपका इसमें वेंस के बारे में बताया, फिर आपका कैपिलरी के बारे में बताया। फिर आपसे मिलेंगे हम साइंस के किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।